पकड़ी गई महिलाओं में 3 गोरखपुर और 1 खलीलाबाद की बताई जा रही हैं। रोडवेज पुलिस चौकी क्षेत्र में हफ्ते भर में ही ताबड़तोड़ हुई कई लूट की घटनाओं से हिली पुलिस ने रविवार को लुटेरा गैंग पकड़ने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि पकड़ी गई 4 महिलाएं उसी लुटेरा गैंग की सदस्य हैं जिसने रोडवेज चौकी क्षेत्र में हुई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। एएसपी शिवराज ने नगर कोतवाली क्षेत्र में हुई घटनाओं का खुलासा किया है। कोतवाली नगर जनपद गोंडा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अपराधियों और अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर जनपद एसओजी टीम या उनके सहयोगियों के द्वारा एक जनपद गोरखपुर और खलीलाबाद की रहने वाली 4 महिला अपराधियों का एक गिरोह का को पकड़ा गया है। इनको इनकी जो मॉडस ऑपरेटिव की जो अपराध की प्रवृत्ति है, ये लोग भीड़ भरे स्थान में, मेला में या जो मंदिरों में, बस स्टॉप में, रेलवे स्टेशन पे चेन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग या इनको जानकारी मिल गई किसी के पास पैसा है तो उसका बैग छीन लेना, तो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहे। कोतवाली नगर की 2 घटनाओं का अनावरण हुआ है और जो दोनों घटनाओं की जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके द्वारा इनको पहचान किया गया है और पूछताछ में इनके द्वारा अन्य जनपदों में भी इस तरह की घटनाएं करना बताया गया है, कन्फेशन किया गया है। फिलहाल अभी इनको गिरफ्तार करके मारी डाले के समय किस जनपद की है ये 2 तो गोरखपुर की, 3 महिलाएं गोरखपुर की, 1 खलीलाबाद की है। रिकवरी भी हुई है कुछ? हाँ, इसमें 52,000 रुपए रिकवर हुए हैं और एक खास बात यह कि अपने साथ में छोटे बच्चों को भी इसी अपराध में उनको भी सहयोग के लिए लेते हैं। सर, केवल महिलाओं के साथ ये घटना होती थी या पुरुषों को भी? अभी जो हमारे पास जो पूछताछ में यह है कि जो महिलाओं को ज्यादा शिकार बना रही है।